वैसे साहब आज चाय बड़ी मीठी है, चीनी बहुत ज्यादा है। लद्दाख में जवान मूवी की तरह सब कुछ हुआ। शायद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जवान मूवी की तरह उन मुद्दों पर बात की जो मुद्दे सही में डिस्कस करने चाहिए। बीजेपी के तो यूनियन मिनिस्टर्स ने जाके कंपेनिंग की, लेकिन फिर भी 2 सीटें, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला गए, 12 सीटें। कहां 2 और कहां 12, जमीन और आसमान का फर्क है। उमर अब्दुल्ला का ब्रेकिंग स्टेटमेंट आया अभी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग उन पर इल्जाम आयद कर रहे हैं कि यह इलेक्शन डेवलपमेंट पे नहीं था, यह इलेक्शन जो था वो धर्म की बुनियाद पे था। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने इस पे ये कहा है कि हमारे इलेक्शंस का मुद्दा यही था कि जमहूरी निज़ाम को बहाल किया जाए, डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जाए और जम्मू कश्मीर के अंदर एक आम शहरी को उसका बुनियादी हकूक दिया जाए। जब कल को इलेक्शंस होंगे, ये बात याद रखना आम शहरियों, आप लोगों ने घरों से स्मार्ट मीटर लेके निकलना पड़ेगा। आप लोग बिजली के लंबे लंबे बिल लेके घरों से निकलेंगे और जिन बिलों की कीमत 50-60 लाख रुपए होगी। शायद कल को जब इलेक्शंस होंगे तो जम्मू कश्मीर के वो नौजवान सवाल पूछेंगे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी से कि हमारा रोजगार कहाँ है, वो पॉलिसीज क्यों बनाई गई जिन पॉलिसीज से हमें हमारा रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज जम्मू की हालत देख लें आप, जम्मू में जो है वो लगातार टूरिज्म हो उसे प्रमोट करने की जगह खत्म किया जा रहा है। आज रघुनाथ बाजार हो, पुरानी मंडी हो, लखदत्ता बाजार हो, वहां पर स्ट्रेट दरबार मूना आने की वजह से उन लोगों की सेल 0 पे पहुंच चुकी है। क्या अब भी आप लोग ये स्लोगन दोगे, अब की बार 50 के पार? क्या मजबूत हैं आप लोग इलेक्शंस को फाइट करने के लिए? क्या आप लोगों में इतनी हिम्मत है कि आप इलेक्शंस करवा पाएं? ये वही बात है ना जवान मूवी वाली, कि इस उंगली का इस्तेमाल करने से पहले एक बारी जरूर सोच लें वोट किसको देना है। जिसको वोट दिया है उससे ये पूछना है कि माजी के यानी कि बीते 5 सालों में क्या किया है, और जिसको वोट देने जा रहे हो उससे भी पूछना है कि हमारे लिए क्या करोगे आप आते 5 सालों में। मैनिफेस्टो जब पार्टी का बनता है, उस पार्टी के मैनिफेस्टो के अंदर ही डिसाइड होता है कि कौन सी जमात क्या देगी। अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में डेवलपमेंट थी, बीजेपी के मैनिफेस्टो में जमहूरियत को मजबूत करने की बात थी, लद्दाख के आम शहरियों के हकूक की बात थी, तो फिर लद्दाख के लोगों ने क्यों नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुना? अगर वहां पर सिटिंग एमपी बीजेपी का है, उसके बाद भी लद्दाख के लोगों ने क्यों दिल खोलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को वोट दिया? क्या आप ये समझ सकते हैं कि ये जो शुरुआत है ये करगिल से हुई है और पठानकोट तक यही हालत होगी इलेक्शंस के दौरान में, जब असेंबली के इलेक्शंस होंगे यहां पर? क्या आप ये मानते हैं कि जवान पिक्चर इसीलिए बनी है कि सच्चाई को सामने लाया जाए और जो मैन मुद्दे हैं उन पर चर्चा होनी चाहिए? आज की डेट में कोई भी नहीं चाहता है हिंदू मुसलमान हो, आज सब चाहते हैं तरक्की हो, आज सब चाहते हैं डेवलपमेंट हो, आज सब चाहते हैं देश मजबूत हो, आज सब चाहते हैं देश के अंदर जो देश की प्रॉपर्टीज हैं वो देश के अंदर ही रहें, ना कि वो प्राइवेट बिजनेसमैनों को बेच दी जाए। ये लद्दाख के इलेक्शन से तो एक बात साबित होती है आप सब लोगों को कि अगर जम्मू कश्मीर में भी असेंबली के इलेक्शंस होंगे तो शायद यही हालात होंगे, इसी तरीके से बीजेपी की जमात को क्लीन स्वीप कर दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास ओपनिंग बैट्समैन कोई नहीं है जो टिक कर खेल पाए, और मुझे लगता है कि अपोजिशन के जो बॉलर्स हैं वो बड़े खतरनाक हैं, उनकी रफ्तार भी बहुत तेज है और बड़े अच्छे तरीके से स्विंग करवा लेते हैं शायद, जिसकी वजह से उन्हें विकटें बहुत ज़्यादा मिल सकती हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ये डिमांड कर रही है, कांग्रेस ये डिमांड कर रही है, अपोजिशन ये डिमांड कर रही है जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस होने चाहिए, जमहूरियत को एक बार फिर से रिस्टोर कर देना चाहिए और जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में ही जो है वो आम शहरी ये डिसाइड करेंगे कि क्या वो बीजेपी को चुनना चाहेंगे या फिर वो अपोजिशन की किसी एक जमात को। ये सबसे बड़ा सवाल है। वो कहते हैं ना कि हजारों साल हमें लग जाता है खुद का किरदार बनाने में, एक लम्हा मिटा देता है हमारी हस्ती को मिटाने में।
तो कहने का मकसद यह है कि एक लम्हे की बात थी, सिर्फ एक इलेक्शन की बात थी, जिसने ये साबित करके दिखा दिया कि 2019 के बाद के फैसले जो हैं वो नाकाबिले कबूल हैं लद्दाख के लोगों को। और शायद इसीलिए लद्दाख वालों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत की और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की जमात को चुना और धीरे से लद्दाख के अंदर जो है वो अपनी जीत का परचम लहराया। आप क्या कहते हैं कि क्या वाकई में ये इलेक्शन वैसे हुआ जैसे जवान मूवी बनी है? अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपकी भी कोई राय लेनी चाहिए हमें तो कमेंट करके वो भी ज़रूर दें। फ़िलहाल इस वीडियो को शेयर करके जो आप अपनी बात को रखना चाहते हैं वो यकीनन तौर पे आप रख सकते हैं।